are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। बीम इमिटेबल जेड की ईवीएम्स पर लॉन्च होने वाला है पॉलीगन टेक के साथ गेमिंग फोकस जल्दी। वॉरेन बफेट बैग न्यूबैंक सर्कल और टेलोस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ब्राजील में क्रिप्टो एक्सेस बढ़ाने के लिए। रॉबिनहुड ने यूरोप में क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉन्च किया। इंडिया के IEEE ने अवलांजी ब्लॉकचेन को टैम्पर प्रूफ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए टैप किया। सोलाना की हाइब सागा फोन्स का फ्यूचर अंडर इंटरनल डिस्कशंस है क्योंकि सेल्स फिगर्स इंप्रेस नहीं कर रहे। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस का कहना है कि CBDC पर्सनल फ्रीडम के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इंडिया के पार्लियामेंट में Web3 का फ्यूचर्स पर डिस्कशन हुआ। मेरिट सर्कल DAO ने इम्यूटेबल्स के साथ Web3 गेमिंग और ट्रेडिंग डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप। ब्राजीलियन फाइनेंशियल रेगुलेटर ने क्रिप्टो ग्लॉसरी लॉन्च किया। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज अर्बिट ने ऑल्टकॉइन AXL को लिस्ट किया। रॉबिन हुड ने EU में कमीशन फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप लॉन्च किया। कॉइनबेस में वॉलेट ने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए क्रिप्टो भेजने की सुविधा इनेबल की। गेमिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बीम जो मेरिट गेमिंग के लिए स्पेशलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बीम जो मेरिट सर्कल्स DAO द्वारा चलाया जाता है अब इम्यूटेबल्स सेट के EVMs पर लॉन्च होने वाला है जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग स्केलिंग सॉल्यूशन है जो पॉलीगन द्वारा पावर्ड है। टीम के मुताबिक बीम एक इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन है। हम चेन एग्नोस्टिक रहना चाहते हैं। वॉरेन बफेट बैक न्यू बैंक क्रिप्टो फर्म सर्कल और टैलोस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है ब्राजील में क्रिप्टो एक्सेस अडॉप्शन बढ़ाने के लिए। न्यू बैंक क्रिप्टो ने इस साल प्लेटफॉर्म पर 11 नए क्रिप्टोकरेंसी ऑप्शंस ऐड किए हैं। हम लैटिन अमेरिका भर में डॉलर्स तक पहुंचने की स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं खास तौर पर ब्राजील में जो रीजन में डिजिटल करेंसी यूज और अडॉप्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स के रूप में उभर रहा है। सर्कल के CEO ने कहा न्यू बैंक के बाद USDC लिस्ट किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस के साथ स्टॉक्स ट्रेड्स अलाउ करने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने अपना क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूरोप में लॉन्च किया है। कॉइन टेलीग्राफ के दिसंबर 6 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा मेंबरशिप बेस रखता है जिसमें 75,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। सोलाना के सागा फोन का फ्यूचर अनसर्टेन है क्योंकि डिसअपॉइंटिंग सेल्स और चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स के कारण सोलाना के फाउंडर्स एनाटोली याकोवेंको के लॉरा शिन्स के अनचेंज्ड पॉडकास्ट पर रिसेंट अपीयरेंस में कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ अलम्बा में ये रिसेंटली हेल्ड एक डिबेट में रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ने वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जिसमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शामिल थे। इस इवेंट में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के आइडिया की क्रिटिसिजम्स की और वादा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे। इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस लोकसभा ने दिसंबर 6 को इंडिया में Web3 और ब्लॉकचेन सेक्टर की इंपॉर्टेंस पर एक डिस्कशन किया। राजीव चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने Web3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के इंडिया के डिजिटल फ्यूचर्स में इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। मेरिट सर्कल DAO और इम्यूटेबल्स ने Web3 गेमिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स ओनरशिप पर एम्फेसिस दिया गया है।